रेशियो ऑफ द टू वेव, दो वेव के रेशियो गिवन है एम्पलीट्यूड के, ए रेशियो बी, ए मतलब ए वन रेशियो ए टू हम कर लेते हैं, और थ्री रेशियो फोर है, यानी कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू थ्री अपान फोर। रेशियो ऑफ देयर लाउडनेस, तो लाउडनेस बेटा क्या होता है, लाउडनेस एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रपोर्शनल होता है। इसका मतलब लाउडनेस हमारा जो है वो के ए स्क्वायर हो जाएगा, और लाउडनेस को अगर मैं एल वन से लिखूँ तो एल इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर हो जाएगा, और एल टू लिखूँ तो के ए टू स्क्वायर हो जाएगा, और एल वन अपान एल टू के वन ए वन स्क्वायर अपान के टू, और के ही रखो, इसको के वन मत करो, के रखो, और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा के ए टू स्क्वायर, यानी एल वन अपान एल टू इज इक्वल टू ए वन अपान ए टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। एल वन अपान एल टू, ए वन अपान ए टू की वैल्यू ये गिवन है आपको, थ्री बाई फोर का होल स्क्वायर कर दो, एल वन अपान एल टू मिल जाएगा आपको कितना, नाइन अपान सिक्सटीन। लाउडनेस मिल गया आपको, क्या मिल गया, लाउडनेस मिल गया। पिच क्या होता है, अगर आप पिच कैलकुलेट करें तो पिच जो होता है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी होती है, तो पिच को पी से रिप्रेजेंट करें तो के इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट करें, फर्स्ट के लिए लिखेंगे तो पी वन इक्वल टू के एफ वन हो जाएगा, दूसरे के लिए लिखेंगे तो के और एफ टू हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो पी वन अपान पी टू इज इक्वल टू एफ वन अपान एफ टू मिलेगा, और फिर पी वन अपान पी टू, पी वन अपान पी टू और एफ वन अपान एफ टू, हाँ ये होगा कि एफ वन अपान एफ टू हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं आपको बता दूं कि रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड ऑफ द टू वेव थ्री रेशियो फोर, फाइंड द रेशियो ऑफ लाउडनेस एंड द पिच। तो मैं आपको बता दूं कि जो पिच है उसका फार्मूला आपको मिल ही गया है, और ये वन रेशियो वन आएगा। क्यों आएगा वन रेशियो वन, क्योंकि मैं बता दूं कि जो लाउडनेस है किसी भी वेव का, वो कह सकते हैं या फ्रिक्वेंसी ऐसे लिखते हैं, फ्रिक्वेंसी हम एम्पलीट्यूड के ऊपर कहते हैं कि नहीं डिपेंड करता है, मतलब फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ही होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है।